आदरणीय श्री सतवीर जाखड़ जी जिनके यहां पर आज का एक कार्यक्रम हो रहा है, 2100 रुपए देकर के मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका मान सम्मान आप भी बढ़ा दे, बस ताली बजाते रहो, जोरदार ताली हो जानी चाहिए। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, पूरे जाखड़ परिवार का बार बार तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद। वार्ता होगी महा से जी, हेलो 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 भाई, पूरणमल के किस्से की रागनी है। मौसी पूरणमल पर झूठा आरोप लगा देती है और झूठा आरोप लगाने के बाद में पूरणमल को, हाँ तो राजा को बुलवाया जाता है महाराज को, और रानी के पास में पहुंचता है, और रानी इस पोजीशन में होती है जिसमें अभी फिलहाल बबली वर्मा जी है। ताली मार दो एक बार जोरदार। हाँ, अपने मोर्चे को पहले ही साध लिया, उनका धन्यवाद करते हैं। आइए, किस तरह से दोनों के बीच में क्या जवाब सवाल होते हैं, बाकी हॉल रागड़ी के माध्यम से। हेलो, हेलो रानी, ए रानी, ओहो हो, क्या गलती बनी, क्या परेशानी हुई रानी जो आप इतनी परेशान हो, और आपसे हल्की हल्की सी आवाज मुझे रोने की भी आ रही है, ऐसी क्या परेशानी हो गई? तुरंत परेशानी पूछ रहे हो महाराज? परेशानी जाके अपने पूर्णमल से पूछो। रानी आपकी कई तरह की आवाज आई है, मुझे पता है कि आप रात की तकदी हुई है, परेशान है, आवाज आपकी थकी हुई है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसी क्या गलती बन गई जो रोते रोते आपकी आवाज भी इस तरह की निकलने लग गई? क्या महाराज आपको मेरी दशा दिखाई नहीं देती? मुझे दशा तो दिख रही है आपकी, लेकिन आपकी अभी दिशा निश्चित नहीं हुई, बीमारी क्या है? बीमारी को नहीं महाराज, बीमार हो गयो। ओहो चूंदड़ी पट्टी पड़ी। ओहो हो देखिए महाराज हालत, देखिए हालत तो वाकई आपकी बहुत संदिग्ध स्थिति में है, लेकिन ऐसी हालत हुई कैसे, इसको बात को तो बताओ मुझे। हालत कैसे हुई, क्या महाराज आप सुन पाओगे? मैं सुनने के लिए बिल्कुल आतुर हूँ। कहीं पैरों के नीचे से जमीन ना खिसक जाए। मैंने मयान से तलवार बाहर निकाल ली, आप कह दो। कह दूं? हाँ। ये सारे करतूत और किसी की नहीं, आपके बेटे पूर्णमल की है, पूर्णमल की। रानी आप क्या कह रही है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? कैसे कह सकती हूँ? पूरणमल तो आपको अपने माता से भी ज्यादा सम्मान दिया करता है। ना महाराज, वो तो किमे और को मैं बोले था, जान जानू डार्लिंग बिरानी के बोले। ओहो, बहुत गलत बात कहती उसने तो, लेकिन मेरा पूरणमल तो जति मर्द है। हाँ जति, ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता। आप क्या कह रही हो मेरी बात तो? सोचा को नहीं गवा, बहुत गौर से सुन ले, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास नहीं है क्या आपको? मुझ पे विश्वास नहीं है? मुझे आप पर भी विश्वास है, लेकिन मैं अपने बेटे पूर्णमल पर भी विश्वास करता हूँ रानी। महाराज महाराज, आप ऐसे ना रोए वरना मेरा हृदय डगमगा जाता है। महाराज फैसला कर। फैसला तो मैं ले लूंगा, लेकिन पहले दो बात तू मेरी सुन ले। सुनाइए महाराज। और फिर उन दो बातों का मुझे उत्तर दे। तले पड़ी ओ मेरी नार, मैंने
हिम्मत ना छेड़े भरतारे। आपकी परेशानी बूझने का मेरा धर्म कर्तव्य बनता है। धर्म महाराज, आपने मेरी ओढ़ का कोई ख्याल नहीं। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नारे, मने मत ना छेड़े भरतारे। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नारे, मने मत ना छेड़े भरतार। तेरे तन बोलिया ना चाहती, ओए अंधेरे ए अंधेरे गुब्बार महल में दीवाना बाती। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नारे, मने मत ना छेड़े भरतार। तेरे ते बोलिया ना चाहती, ओए अंधेरे गुब्बार महल में दीवाना बाती। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नारे। उल्टा हो मता, उल्टा हो मता। इब पढ़ूंगी कुवे मतन, लाग जा पता पूर्ण के बाबू, लाग जा पता। मैं सब जानू इन पीरों का, जैसा हो मता, जैसा हो मता। इब पढ़ूंगी कुवे मतन, लाग जा पता, लागे जा पता। बता के खता हुई मेरे से, इब लग डटी शर्म तेरी से। बता के खता हुई मेरे से, इब लग डटी शर्म तेरी से। ना पड़े घरा चली जाती, गरिया मार ले, गरिया मार ले जूत बाहर में बाणस पंचाती। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नारे। मेरी बात गौर से सुन ले। गौर से तो आप सुनो महाराज। तुझे किस चीज की कमी है ये बता मुझे। अरे मेरे पास है क्या? सब कुछ तेरा ही तो, जहाँ तक तेरी नजर जाती है, ये बाग बगीचे ये किले बावड़े सब कुछ तेरा। मेरा कुछ नहीं है महाराज, सब कुछ आपका। यहाँ मेरा कोई साथी नहीं है। आप मेरी अर्धांगिनी, आप मेरी आधे अंग की साजी है, आप ऐसा कैसे कह सकती है? कह नहीं सकती। सरे हम सबके सामने बोल रही हूँ महाराज, यहाँ मेरा क्या है आप बताइए। यहाँ मेरा कोई हिमाती नहीं है, कोई साथी नहीं है। तुम्हारे ये बोल मेरी छाती को छोल रहे हैं रानी। अच्छा हाँ, यो मांगे नुक मैं तेरा हूँ, बाकी कोनी कोई। या मांगे नहीं तो बीज बो रखे हो घर में। यो पूर्ण बल तेरा बहुत बदमाश है। ये पूर्ण बल बदमाश नहीं है, सारी करतूत इस तेरे बेटे पूर्ण बल की है। सही कह रही है, जैसा बाप वैसा बेटा। ना भी कुछ कमी रह रही है थोड़ी सी। ना क्या कमी रह रही है? ना कमी रह रही है अभी। पिताजी की टांट को देख ले, भला बिल्कुल जो का तो दिख रहा है। अभी मेरी में कुछ थोड़ी सी कमी है। जाने तो शुरू हो गए, मैं भी गौर नहीं दे रहा हूँ। टाइम आ रहा है, धीरे धीरे तू टेंशन ना ले। हाँ, धीरे धीरे टाइम आ रहा है, पर थोड़े ही रह रहे हैं, अभी हो जाएंगे साथ। बाग बगीचे ये बाग बगीचे किले बावड़ी सब तेरी जाजात, सब तेरी जाजात। तेरे बोलान सुन सुन पड़गी छाती के मराद, छाती के मराद। यद बाग बगीचे, बाग बगीचे किले पावड़ी सब तेरी जाजात, सब तेरी जाजात। तेरे बोलान सुन सुन पड़गी छाती के मराद, छाती के मराद। तेरे से,
तेरे से है बात कौन प्यारा से यो घर गाँव नगर थारा से तेरे से है बात कौन प्यारा से यो घर गाँव नगर थारा से मेरा अड़े कोई ना साथी अरे किसने के हा? अरे किसने के कह दिया रांड क्यों रो रो टकराती उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार ओ आदरणीय श्री राजवीर फौजी जी जिन्होंने बहुत इनाम पहले दिया और 100 रुपए से फिर मान सम्मान कर रहे हैं। एक बार तो उनकी जेब बाहर निकल गई थी लेकिन अब सारे अंदर है तो हम उनका धन्यवाद करते हैं। एक बार ताली बजा दे भाई, जोरदार जोरदार ताली हो जानी चाहिए क्योंकि कहा भी जाता है महाराज ये आपके चेले चपटे वो चेले चपटे नहीं है ये ना ना ऐसा नहीं है हाँ। बहुत इनाम दे चुके हैं ये भी, हम इनका भी धन्यवाद करते हैं क्योंकि कहा जाता है कि फौजी जितनी कौन मोहब्बत करे लुगाई की और सबसे ज्यादा दुखी रहे से बहु सिपाही की। यू हाँ। फौजी तो ताली बजा दे जोरदार हमारे फौजी भाइयों के लिए। यू फौजी है और हाँ। तुझे क्या कम लग कमी लगी फौजी है? कच्चो फौजी कौन सो है पक्का हाँ। फौजी है पक्का पक्का फौजी है हाँ। अच्छा देश की रक्षा करके आया है हाँ। बहुत समय दिया है फौज में इसने। ओ सुन ले सुनाइए महाराज हमारा घर बिगड़ रहा है और स्वाद ले रहे हैं सारे लोग जो है। आपको घर बिगड़ने की टेंशन है लोग स्वाद ले रहे हैं लेकिन आपने ये नहीं देखा कि आपके पूर्णमल ने क्या करतूत किए महाराज। पूर्णमल ने कुछ भी करतूत नहीं किए, पूर्णमल पर मुझे पूरा भरोसा है रानी। छुपाने की कोशिश मत करो ऐसा महाराज। तो नहीं कभी आप भी यू टर्न मार रही हो ओ महाराज जवान को लगाम दो ओहो आवाज में थोड़ा सा और ज्यादा फटावे नहीं तो देख लो अभी अभी स्कूबी ना 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 ऐसे बिल्कुल मत करे हाँ। वरना गाडौली गांव में साइकिल से तोड़ ताड़ के फेंक देंगे ये अभी महाराज इधर हाँ तू जान नहीं रही है इसे मेरी बात सुन मैंने जब ऐसे ऐसे किया तुरंत उठाने का बिल्कुल बिल्कुल यही उठा के ले जाएंगे पल्लेदार बोरी को उठा के ले जाए बिल्कुल यही बात सोच ले गोदी में लेने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है हाँ छोटा इसका बीमार चल रहा है एक दो बार 50 रुपए दे के लोट को परम धन्यवाद करते हैं भाई साहब का बहुत बहुत ये तो मैं भी जानती हूँ महाराज। और आदरणीय है राजेश खंडेलवाल जी दोनों कलाकारों का 1100 रुपए दे करके फिर सम्मान बढ़ा रहे कई 1000 रुपए पहले भी दिए एक बार जोरदार ताली आदरणीय राजेश खंडेलवाल जी के सम्मान में हो जाए बार बार धन्यवाद। ये तो मैं भी जानू महाराज आप अपने बेटे की तरफदारी करोगे उसी की मेर लोगे मुझे मरना पड़ेगा लगता आप पहले हो वो बाद में है मांगे मैं मर गई तो तू भी दुआ होने वाला है मांगे राम मरद के कर दिए घने बुरे हाल लुगाई ने ये भी लुगाई का ही मारा हुआ है। मेरी बात को गौर से सुन ले बिगड़ेगा कुछ नहीं कुछ नहीं इन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा और हमारा घर बिगड़ जाएगा सोच ले। नहीं महाराज एक म्यान के अंदर एक ही तलवार रह सकती है महाराज एक म्यान के अंदर तलवार तो एक रह सकती है लेकिन इस बात की मुझे पड़ताल तो करने दे तूने बहुत सारे आरोप लगा दिए एक बात मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है एक भी बात मैं विश्वास कैसे कर लूं क्योंकि मेरा पुत्र तो जती मर्द है दादाजी। अच्छा पुत्र और ये सच्चाई है। भी है कि पूर्णमल वाकई जती मर्द थे मतलब आपको मुझ पर भरोसा ना है बिल्कुल भी न्यारे न्यारे बैठ गए न्यारे, 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 न्यारे
से गिर के नूते में भी जाने गई पिंडा छुटेगा मर के छुटेगा मर के अरे नारे नारे बैठ गए दो बांदर से गिर के रे बावड़ी दो बांदर से गिर के नूते में भी जाने गई पिंडा छुटेगा मर के छूटेगा मर के अरे कुछ करके है बैठ समाई हरी तुनवा की न बड़ू लुगाई ओ कुछ करके है बैठ समाई हरी तुनवा की न बड़ू लुगाई मेरी ना बहुत बड़ी छाती कद पे आई मैं मरवा दे सीढ़िया ताती उठ क्यों तले पड़ी मेरी नाते ना छेड़े भरता तेरे से बोलना ना चाहती अंधेरे गुबार महल में दीवाना पाती उठ क्यों तले पड़ी मेरी नारे भाई मेरा निवेदन है खंडेलवाल साहब जी ने बहुत प्यार सम्मान दिया है और प्यार सम्मान में ये समझ ले हो कई हजार रुपए पहले तुम रुको रुको दोनों रुको तुम दोनों रुको भाई हाँ तुम्हें कंपटीशन लगाएगी हाँ रंग काट कर सके भर सके कर तुम मेरी कड़ी क्या ना भरो तुम एक ही कड़ी भरो हाँ। यहाँ झगड़ा माच रहा है तुम भाई हमें तो लग रहा जो है भाई कैश कैश दे दो आपके बहुत बहुत जो है धन्यवाद और बहुत सम्मान बढ़ाया भी आपने आपने कोई कमी नहीं छोड़ी और आज से नहीं 10-15 साल से आपका बहुत प्यार आशीर्वाद हम कलाकारों पर बहुत मान सम्मान किया पहले भी हाँ, बहुत मान सम्मान जोरदार ताली हो जाए भाई जोरदार ताली लेकिन बैंक को अपने पास ही रखो खंडेलवाल जी बैंक आपके ही पास रहना चाहिए कैश का आदान प्रदान होता रहेगा हाँ, ये खाते में डलवा देंगे कैश तो दे दिया खूब बहुत इस बटुआ में पर्स में एटीएम भी है पर्स भी तुम्हारा जान भी तुम्हारे लिए हाजिर है सभी में हाजिर ताली ताली भाई साहब जोरदार ताली इनके लिए हो जानी चाहिए बार बार धन्यवाद करते हैं तहेदिल से धन्यवाद करते हैं आइए अरे कह लक्ष्मी चंद लक्ष्मी चंद रंग महला में ओ ओ ओ आप इतनी दूर क्यों खड़ी आपसे कोई बात नहीं करनी महाराज अरे आपको इंसाफ करना नहीं आता ये लो क्या बात है क्या बात है क्या बात भाई ये कह रहे कि पर्स में तो ये समझ लीजिए कि सारा ही सौदा है मेरा और वो भी आपको देने के लिए हम तैयार हम धन्यवाद करते हैं एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए राजेश खंडेलवाल जी के लिए 1100 रुपए पहले और 1100 रुपए फिर इस सफर के दे रहे हैं धन्यवाद उनका तहदिल से बार बार धन्यवाद करते हैं चलिए और आदरणीय राजपाल शर्मा जी जी हाँ राजपाल शर्मा जी खंडेलवाल टू भाई उन्होंने पहले भी कई सौ रुपए दिए हैं ये खंडेलवाल टू कौन है खंडेलवाल टू आदरणीय राजपाल शर्मा जी हैं जुड़वा है क्या उन्होंने 2100 रुपए फिर दिए हैं पहले भी 2100 रुपए दिए बार बार और 2100 रुपए देकर के फिर सम्मान बढ़ाया भाई एक बार जोरदार ताली बजाओ राजपाल शर्मा जी खंडेलवाल टू के सम्मान में भी एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जाए बार बार धन्यवाद कैसे इतनी दूर से बात नहीं बनेगी रानी क्यों आप नजदीक आ जाइए पहले अपनी बात कहिए महाराज फिर सोचती हूँ कि मुझे आना है कि नहीं आना है आप फैसला करते हो कि नहीं करते हो फैसला तो मैं करूंगा लेकिन नजदीक आकर के तो बताइए भगवान देखती हूँ कहीं अपने बेटे की करतूत छुपाने के लिए अपना दिल ना दहल जाए नहीं नहीं नहीं
बात कहिए, बेटे की करतूत को नहीं छुपा रहा हूँ, लेकिन मेरे करीब आ जाइए, पहले अपनी बात कहिए। इतनी दूर से मेरा मन नहीं लग पाएगा। अच्छा मन नहीं लग पाए, तुम ज्यादा मन के चक्रों में मत रहो, आ जाओ। मैं बहुत स्नेह करता हूँ आपसे, आप नजदीक आ जाएं। कहिए अपनी बात कहिए महाराज, नजदीक से कहा आ जाइए। ओ कह लक्ष्मी चंद रंग महल्या में, कह लक्ष्मी चंद रंग महल्या में, रोप दिए चाले, रोप दिए चाले, दीप खोल के गेरूंगी सर गुंडी के नारे, गुंडी के नारे। अच्छा आपने तो ऐसे गैप लिया है जैसे शेर शिकार करता है और थोड़ा सा पीछे जो है यू टर्न लेता और एकदम जोर से भगता है। हाँ। तो शिकार करने की सलाह है क्या आपकी? बिल्कुल ना 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 ना, शिकार मत कीजिए, मेरी बात पर विचार कीजिए। विचार आप कीजिए महाराज, फैसला कीजिए, फैसला। कह लक्ष्मी चंद रंग महल्या में, रोप दिए चाले, रोप दिए चाले, ईब खोल कह गेरूंगी सर गुंदी के नाले, गुंदी के नाले। अरे हट हट जा, ओ हट ले काले मुंह की नागे, इसे पूर्ण मलिन आगे, ओ हट जा काले मुंह की नागे, इसे पूर्ण मलिन आगे, बाल दी तेरे के बत्ती, लवे इसे भगत के, लवे इसे भगत के दोस मार री, पाप रूप गाती उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार, मने मत ना छेड़ भर पार तेरे तन बोलना ना चाहती, ओ अंधेरे, ए अंधेरे, ओ अंधेरे गुबार महल में, दीवाना बाती उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार, मने मत ना छेड़ भर पार